वेलकम। आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप या आपका मित्र संबंधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, या फिर आप किसी की मदद करने की भावना से यह जानकारी ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। ईश्वर से आपके मंगल के लिए प्रार्थना। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद या होम क्वारंटीन करने के बाद सबसे पहली चीज जो करनी है वो है मजबूत मन और पॉजिटिव मन बनाना। पॉजिटिव माइंड ओनली कैन किल पॉजिटिव कोरोना वायरस। मन को लगातार सकारात्मक बातों में व्यस्त रखना है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें या अच्छा म्यूजिक सुने। यूट्यूब पे केवल सकारात्मक ज्ञानवर्धक हेल्दी वीडियोस ही देखें। कोई न्यूज़ नहीं देखना है। नो टीवी, नो न्यूज़, नो मीडिया। मन में एक भी नेगेटिव बातें घुसने ही नहीं देनी है। इस तरह पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है डोंट पैनिक, बी पॉजिटिव थिंकर। दूसरी अगत्य की चीज़ है आपकी डेली रूटीन को सेट करना। सुबह जल्दी उठकर रात को जल्दी सो जाने तक की एक्टिविटी लिख कर रखें। उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ कुछ एक्टिविटी बता रहा हूँ, यह सब सभी आप अपनी डायरी में लिख लें। सुबह जल्दी उठकर पेट साफ करके भूखे पेट खाली पेट प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह तीन महत्व के प्राणायाम आपको करने ही है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, यह जरूर सीखें और करें। धीरे धीरे शुरुआत करें, शुरुआत में जल्दी ना करें। अगर आप योग साधक हैं तो स्पीड से कर सकते हो, फिर आपकी क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार थोड़ी थोड़ी कसरत, सूर्य नमस्कार जरूर करें और फिर स्नान करें। यहाँ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर ने जो जो आपसे कहा है उसे पहले अवश्य करना है। उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वह है डाइट, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप सबको यह ज्ञान होगा ही। स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी फूड ही खाए, इजी टू डाइजेस्ट फूड ही खाए, जो जल्दी हजम हो सके ऐसा माइल्ड भोजन ही लेना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना है। और हाँ, फ्रूट फल जरूर खाएं। हॉट ड्रिंक्स ले सकते हो परंतु ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। जीवन में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे घरेलू औषध टर्मरिक जिंजर गिलोय का सेवन कर सकते हैं। पतंजलि कोरोनिल जरूर लेनी चाहिए। गले में अगर इरिटेशन जैसा लग रहा हो तो गार्गल जरूर करें। दिन में 3 बार भोजन के बाद नमक के गर्म पानी से गार्गल करना है, कुल्ला करना है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्टीम लेना, भाप लेना भी बहुत ही अच्छा है। और अब कुछ एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। दिन में 2 बार अपने रूम में ही 10 मिनट लगातार चलना है। वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करें। दिन में 2 बार सुबह शाम 10-10 मिनट आपको अपने रूम में चलना है। दूसरी एक्सरसाइज है अपने पेट के बल लेट जाए, उल्टे सोना। इससे भी आपकी चेस्ट एक्सपांड होगी, फेफड़े पूरे फूल जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल लो नहीं होता है। और उसके बाद भुजंगासन भी कर सकते हो, लेकिन यह खाना खाने के बाद तुरंत नहीं कर सकते। और एक एक्सरसाइज है गुब्बारे फुलाना, बलून, ब्लो बलून। बलून फुलाने से भी आपके फेफड़े पूरे फूलेंगे और ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। और अब सबसे महत्व की चीज़ वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान। दिन में 2 बार सुबह उठते ही तुरंत और रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी भी लिंक दी है, वो भी देखें और करें। और एक चीज़ है जो है शरीर के सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सूक्ष्म व्यायाम आप कभी भी पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। रात को अगर नींद ना आने की समस्या हो तो योग निंद्रा जरूर करें। दिन में या रात को कभी भी योग निंद्रा कर सकते हो। इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और मेरी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट जिसमें सभी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है फॉर कोरोना पेशेंट्स। उसके सभी वीडियो जरूर देखें और अच्छे से समझें और पालन करें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ टेक केयर।
स्टे स्ट्रांग एंड गेट वेल सून, वेरी सून। थैंक यू।